नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी बिहार में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र है या फिर जो भी वंशावली है जिसको अपलोड करने के लिए आपको ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो उस समय जो है लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो गया है। मतलब कि भूमि सर्वेक्षण का जो ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अपने भूमि स्वामित्व पत्र का जो मतलब चीज़ है वो अपलोड करना चाहते हैं, वंशावली को अपलोड करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो कैसे करना है, जहाँ भी भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है ना, उसी जिले के अंतर्गत जो है मतलब काम करेगा, दूसरे जिले में काम नहीं करने वाला है। क्योंकि भूमि सर्वेक्षण हो रहा है तो उसी में आपको भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देना है, और साथ ही साथ आप वंशावली भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आपको हम जानकारी देंगे, तो वीडियो आप शुरू शाम तक लेकर जरूर देखेंगे। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, लेकिन उस समय काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो काम कर रहा है। चलिए आपको हम क्लिक करके दिखाते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने रयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वय घोषणा वंशावली हेतु पपत्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको नाम लिखना है, तो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह से आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बिहार सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, इस पर OTP भी जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आप चाहें तो दे सकते हैं, बट ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा जिसको आपको डालना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है कि इस नंबर पे हम OTP सेंड कर दिए हैं, आपको यहाँ पे डालकर वेरीफाई कर लीजिए। तो आई थिंक OTP रिसीव हो गया, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं, और डालने के बाद यहाँ पे हम वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर OTP वेरीफाई हो गया, ठीक है। OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देना है। यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट आप देख लेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सर्वे हो रहा है ना, उसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो वैसे हम बता दें कि हमारा जो है गोपालगंज जिला इसमें नहीं है, आप खोजेंगे ना तो नहीं है, आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप जिले के अंतर्गत आते हैं, आपका मतलब भूमि का सर्वेक्षण उस जिले में हो रहा है, तो आपका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर जमुई सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ मतलब डेमो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए, क्योंकि हमारे ज़िला में तो हो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है सर्कल को सिलेक्ट करना है, तो सर्कल आप देख लेंगे, जैसे कि आपका जो भी प्रखंड होता है वही आपका सर्कल होता है, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है आपको मौजा सिलेक्ट करना है, तो मौजा देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, चूँकि हो सकता है कि साइड में कुछ प्रॉब्लम होगा। हम फिर से यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट करके देखते हैं। अभी न्यू साइड है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आ ही सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ और आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब देख सकते हैं कि मैंने दूसरा यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट किया है, तो उसके अंदर अगर जो भी मौजे हैं वो मौजे आ रहे हैं, तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी शिविर लगाए गए हैं, देख सकते हैं कि शिविर दिया गया है, जो भी इसके अंदर शिविर लगाए गए हैं ना, उस शिविर ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए कि आपका यही शिविर है, शिविर पता कर लीजिएगा कि आपका भूमि सर्वेक्षण हो रहा है तो शिविर मतलब क्या है आपका, ठीक है। नहीं पता है तो आपका मौजा के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे अपने ज़मीन का जो है खाता नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आप भूमि का स्वामित्व मतलब मालिक है उसका खाता नंबर लिखना है, यहाँ पर खेसरा नंबर लिखना है, और यहाँ पर होल्डर का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो भी ज़मीन होल्डर है, जो भी ज़मीन का मालिक है, उसका यहाँ पे नाम लिखना है। बताया गया है कि एक समय में केवल एक ही खाता खेसरा दर्ज किया जाएगा। पहली प्रविष्टि के बाद एक से अधिक खासा खेसरा प्रविष्टि के लिए एड मोर बटन पर क्लिक करें। मान लीजिए कि आपके पास अलग अलग ज़मीन है, आप कई सारे ज़मीन का भूमि स्वामित्व है मतलब भूमि का मालिक हैं, तो आपको सबको ऐड करना होगा ना, तो यहाँ पर एड मोर करके क्लिक करके आप जो है और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही यहाँ पर खाता खेसरा नंबर और होल्डर को जोड़ा जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप आपका मल्टीपल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खाता नंबर मैंडेटरी है, खेसरा नंबर मैंडेटरी है, और यहाँ पे होल्डर नेम भी मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा,
ठीक है, इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको हम बता दें कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो जो है 3 MB के अंदर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपलोड पपत्र 2 and 3 and 1, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब इसी में आपको क्या करना है कि जिस तरह से आप दाखिल खर्च करते हैं ना तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एक ही में अपलोड करते हैं एक ही PDF में, उस तरह से आपको स्कैन करना होगा। इसमें आपका बंसावली हो सकता है, ज़मीन का पेपर हो सकता है, और आपका जो भी पपत्र 2 and 3 है वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा। अब ये पपत्र 2 and 3 कहाँ से मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, फिर से इसी साइट पर आना है जो मैं यहाँ पर लेकर आया था, dlrs.bihar.gov.in, इसी साइट पर आपको आ जाना है जहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक करके आपको ले गया था। अब यहाँ पे आएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये आएगा टेक्निकल मैनुअल पपत्र एंड अदर फॉर्म, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आप क्लिक कर दीजिएगा और आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन सा आपसे पपत्र मांगा गया है। देख सकते हैं कि पपत्र 2 मांगा गया है और पपत्र 3, और यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें 1 दिया गया है, मतलब कि 3-1 दिया गया है, ये पपत्र आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने पपत्र यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे मांगा गया है पपत्र 2, तो पपत्र 2 यहाँ पे दिया गया है, और दूसरा मांगा गया है पपत्र 3 और यहाँ पे 1, ठीक है, तो इसको यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए पपत्र 2 के सामने जो दिया गया है रजत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा पत्र हेतु पपत्र, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा, उसके बाद हम 3-1 को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पपत्र 3-1 यानी कि बंसावली, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने दोनों इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले हम 3-1 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका शिविर प्रभारी के लिए मतलब ये दे रहे हैं, तो अंचल लिखना है, जिला लिखना है, साथ ही साथ उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करने हैं, वो कहना है कि हम लोग श्रीमती जो भी आपका भरना है, इस तरह से आपको जाति होती है अंचल वगैरह वगैरह सो भी भर देना है आपको। और भरने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ग्राम अंचल मतलब जो भी जानकारी मांगा जा रहा है इसको आपको भर लेंगे। अगर ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इसको छोड़ दीजिएगा, जाकर शिविर में जरूर इसको भरवा लीजिएगा। पर मतलब जो भी शिविर में रहते हैं ना या फिर कर्मचारी रहते हैं उनसे आपको एक बार भरवा लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याचिकाकर्ता का जो है सिग्नेचर आपको करना है, इसको भी आपको इस तरह से भर लेना है, प्रिंट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको भर लीजिएगा, उसके बाद इसको स्कैन भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पपत्र 2 है इसमें देख सकते हैं कि ये जो है बताया गया है कि रजत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु पपत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी फिल करना होगा, तो इसको भी आप अपने कर्मचारी के माध्यम से भरवाइएगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से भरिएगा तो यहाँ पे गलती होने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। और आपके ज़िले में हो रहा है तो आपको जो है ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िले में अभी नहीं हो रहा है तो हमें कुछ इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो फालतू में आपको हम गलत यहाँ पे जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपने कर्मचारी से इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और जाकर वहाँ से भरवा लीजिएगा, ठीक है। भरवाने के बाद इसको स्कैन करना है, स्कैन करना है किसमें, एक ही PDF में आपको स्कैन करना है जिसका जो फाइल साइज है 3 MB से अंदर रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव करना है, सेव करने के बाद आपका जो है यहाँ पे आवेदन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आवेदन आपको करना है, एक से ज़्यादा ज़मीन है तो आप यहाँ पर एड मोर करके उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी आपको फिल करना है, अपलोड करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। आपको हम बता दें कि हमारे ज़िले में नहीं है तो ये सेव नहीं लेगा, क्योंकि हम गलत जानकारी यहाँ पे नहीं भरेंगे, भरने से मान लीजिए बाद में वेरिफिकेशन होगा तो गलत मतलब इन्फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप सेव करेंगे, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है कि इस तरह से आपको क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिल गया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि जो भी यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसमें जो भी स्वामित्व घोषणा पत्र दिए जा रहे हैं या फिर बंसावली दिए जा रहे हैं उसको आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, मैंने जो है संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपके मन में कोई डाउट होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे फॉर्म को सबमिट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम दूसरे ज़िले से हैं और हमारे ज़िले में अभी यहाँ पे सर्वे का काम नहीं हो रहा है। तो बस यही छोटा जानकारी था, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।